तो वहीं पर प्रेम से प्रार्थना होने लगी। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ऐसी प्रार्थना हुई। तो भगवान ने आकाशवाणी की कि तुम लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं पृथ्वी पर अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के यहाँ अवतार लूंगा। तुम लोग चिंता मत करो। भगवान ने ऐसी आकाशवाणी की। अब ब्रह्मा जी कहते हैं सारे देवों से कि देखो, तुम लोगों के लिए भगवान नर बनने के लिए तैयार हो गए। तो जब भगवान तुम लोगों के लिए नर बनने के लिए तैयार हो गए तो क्या तुम वानर भी नहीं बनोगे? वानर तनु धरि धरि मही हरि पद से वहु जाए। अब अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद वेदित तेहिं दशरथ नाऊ, अवधपुरी में महाराज दशरथ नाम के एक राजा रहते हैं। उनका दशरथ नाम है, वेदों ने वर्णन किया है। एक बार उनके मन में ग्लानि हुई कि मोरे सुत नाही, मेरे सुत नहीं है, बच्चे नहीं है कोई भी। भांति भांति भोग मिले, अंग हु अरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन अरु धाम मिले, श्वेश अरु नाम मिले, पर राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। भगवान नहीं मिले, ऐसी ग्लानि मन में हुई। देखिए, मानस के कथा के दो केंद्र बिंदु हैं, इधर महाराज दशरथ और उधर दस मुख। भगवान दशरथ जी के यहाँ जन्म लेते हैं और दस मुख को मिटाते हैं। अच्छे बुरे सभी तरह के लोगों को दस इंद्रियां मिली हुई हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां और पांच कर्म इंद्रियां। इनको इनका संयम करके जो इन्हें रथ बनावे वह दशरथ, और इन्हें भोगों के लिए जो मुख बनावे वह दशमुख। ये दशमुखी वृत्ति है। और आजकल के लोग तो कहते हैं
कि खाओ पियो मौज करो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, एक दिन मर जाओगे कौन चुकाने आता है। और काका हाथ रसी जी तो कहते हैं कि कहता काका कविराय, नाम कुछ रोशन कर जा, मरना तो है ही, कर जा लेकर मर जा। और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहते हैं, ईट ड्रिंक एंड वी मैरी, खाओ पियो मौज करो। तो यह दशरथी संस्कृति नहीं, ये दशाननी वृत्ति हैं। भगवान संयमी के यहाँ जन्म लेते हैं, असंयमी को मिटाते हैं। अच्छा, अगर दशरथ जी संयमी हैं तो ये तीन विवाह क्यों? अरे भाई, ये तीन विवाह, ये तीन निष्ठाएं हैं। अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या जी हैं और क्रिया शक्ति कैकेयी जी हैं, और उपासना शक्ति सुमित्रा जी हैं। तो ज्ञान कर्म और कर्म ही धर्म है, तो ज्ञान धर्म और भक्ति। अच्छा, और दशरथ जी रहते कहाँ हैं? अयोध्या में। और अयोध्या क्या? संत सभा अनुपम अवध, अयोध्या है संतों की सभा। तो जब कोई संयमी व्यक्ति इन तीन निष्ठाओं से नाता जोड़ता है इन तीन निष्ठाओं से, और सत्संग की अयोध्या में रहता है, तो उसी के मन में जिज्ञासा होती है कि भगवान नहीं मिले, ये जिज्ञासा होती है। मोरे सुत नाही। तो दशरथ जी कहाँ गए? गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, चरण लागी करो विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। गुरुदेव के पास गए दशरथ जी, और गुरुदेव को अपना दुख भी सुनाया और अपना सुख भी सुनाया। अच्छा, दुख क्या? दुख यह कि भगवान नहीं मिले, मोरे सुत नाही। और सुख क्या? कहा सुख यह कि भगवान से मिलाने वाले मिल गए, यह सुख संत मिलन सम सुख जगना है। तो दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है। गुरुदेव ने कहा, धरहु धीर, महाराज धीरज रखो। धीरज? पर कब तक गुरुदेव? भगवान ने तीन बार सत्य कहा था, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, और जिसके यहाँ आना था उसका चौथापन आ गया। दशरथ जी बोले, अब तुम चिंता मत करो, भगवान को भी अब चार रूपों में आना पड़ेगा, एक एक पन के बदले एक एक रूप। धरहु धीर हुई है सुत चारी। अच्छा गुरुदेव, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो करना है सो हमें करना है। तो गुरुदेव ने क्या किया? श्रृंगे ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगे ऋषि वशिष्ठ बुलावा,
अंगे ऋषिः वशिष्ठ बोलावाश अंगे ऋषिः वशिष्ठ बोलावाश अंगे ऋषिः वशिष्ठ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा श्रृंगी 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 ऋषि वशे श्रृंगी ऋषि वशे श्रृंगी ऋषि वशे निदद निद गम दम ग गवनि निद पद म प ग म रि ग म प ग म रि निद निद ग निद ग द निद ग द निद ग ऋषि वशिष्ठ बुलावा शृंगी ऋषि वशे शृंगी ऋषि वशे शृंगी ऋषि वशे श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। अग्निदेव खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए। दशरथ जी बड़े आनंदित हुए, बोले कि मेरे मनोरथ के कारण आप प्रकट हुए हैं। अग्निदेव बोले, भूल मत करना, लाभ तो तुम्हें होगा, पर ये मत समझना कि मेरे कारण लाभ हुआ, तुम्हें अपने कारण लाभ हुआ ये मत समझना। क्या समझूं? तो कहा, जो वशिष्ठ निज हृदय बेचारा, संकल्प सदगुरु का होता है, कल्याण शिष्य का होता है। कहा अग्निदेव ने कि ये खीर का प्रसाद है। तो खीर का प्रसाद, अब भगवान का देखिए, खीर से जन्म हुआ, तभी तो जनकपुर वाले अब तक विनोद करते हैं कि इनके यहां तो ऐसे ही है, जिनकी संतान ना हो वे यज्ञ करवावे गुरुदेव को बुलाकर, अग्निदेव खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हो और माताएं पान करें, बच्चों का जन्म हो जाए, ऐसे ही है यहाँ पे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो फिर भी माताओं से जन्म होता है, आपके यहाँ तो इसकी भी जरूरत नहीं। जिसको पुत्र चाहिए होता है वो तो कुदाल फावड़ा लेकर जाता है, जमीन खोद कर निकाल लाता है। को नहीं जन्मे मात पिता बिन बंधी वेद की रीति, पर तुमरे तो मही से ही उपजत अस हमरी नहीं रीति। अब देखिए, खीर में तीन चीजें मिली रहती हैं, दूध, चावल और शर्करा, शक्कर। तो दूध क्या, चावल क्या और शर्करा क्या? दूध है ज्ञान, तभी तो लिखा है कि संत हंस गुण गाही पय परिहरिवार विकार। जैसे हंस सारग्रही होता है, अगर आप एक कटोरे में दूध डालो, उसमें पानी भर दो, पानी मिला दो,
तो हंस दूध दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। तो हंस सारग्रही होता है और वो भी शुद्ध, मतलब शुद्ध ज्ञान निष्ठा, ऐसा नहीं कि मिलावट का दूध हो। एक आदमी दूध बेचता था तो एक के यहाँ दूध देने गया तो बहुत देर से पहुंचा उस दिन। तो वो बोला कि क्यों भैया आज तुम देर से क्यों आए? वो बोला हम क्या देर से आए, आज नल ही देर से आए। नल आए तभी तो मिलावट कर पाए। ऐसा नहीं, शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध ज्ञान निष्ठा। अच्छा चावल क्या, जैसा बीज बोया वैसा ही फल होगा। तो चावल है कर्म और कर्म ही धर्म। तो शुद्ध ज्ञान निष्ठा और शुद्ध धर्म निष्ठा। अच्छा अगर दूध हो चावल हो, पर जब तक खीर में शर्करा ना गिरे तब तक खीर में मिठास नहीं आता। तो भगति मधुरता जाहि, शर्करा है भगवान की भक्ति। पर एक बात है कि शुद्ध ज्ञान निष्ठा हो, शुद्ध भक्ति निष्ठा। अगर दूध हो चावल हो शर्करा हो, इन तीनों को मिला दिया जाए तो घोल होगा, खीर नहीं होगी। खीर कब होगी? जब अग्नि में तपे, परिपक्व हो। और यहाँ तो स्वयं अग्निदेव ने ही प्रदान होकर खुद आके ही खीर प्रदान की है। तो जब कोई संयमी व्यक्ति शुद्ध ज्ञान निष्ठा, शुद्ध भक्ति निष्ठा और शुद्ध धर्म निष्ठा, इन तीन निष्ठाओं को परिपक्व कर लेता है और ऐसी तपी हुई परिपक्व निष्ठाओं का जो पान कर लेता है, उसके भीतर से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। यह संदेश, यह कथा। भगवान अग्निदेव ने खीर का प्रसाद दिया दशरथ जी को और बताया कि ऐसे वितरण करिए अपनी तीनों रानियों को। और अब दशरथ जी गए जैसा अग्निदेव ने निर्देश दिया था, वैसा ही वितरण किया। अब सुखोज तो कछुक काल चली गयो, जे ही प्रभु प्रगट सो आओ सर भयाउ। आ नौमी तिथि मधुमास पुनीतानो, मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीतानो, शुक्लपक्ष अभिजित हरि प्रीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्लपक्ष अभिजित हरि प्रीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता। आ आ आ
तिथि मधुमा नवमी तिथि मधुमास नवमी तिथि मधुमास। अब कुछ समय बीता, भगवान के जन्म होने का शुभ अवसर आया। शीतल मंद सुगंध समीर चलने लगी। अब भगवान के जन्म होने का अवसर आया तो सारे देवता आकाश में प्रकट हो गए। प्रकट सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की। वैसी ही स्तुति जैसी श्रीमद् भागवत में भगवान की गर्भ स्तुति की गई तो देवता आकाश में प्रकट हो गए। पर भगवान की कम से कम जन्म तक तो रुकते। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। जब भी अपने अपने धाम को चले गए इसके बाद जग निवास प्रभु प्रगटे। भगवान का प्राकट्य तो बाद में हुआ पर देवता पहले ही आकाश में प्रकट हो गए, यानी पहले ही धाम को चले गए देवता। कम से कम भगवान के जन्म तक तो रुकते। एक भाव तो यही है कि देवताओं से ही भगवान ने कहा कि आप लोगों ने मेरी स्तुति कर ली, अब आप लोग चले जाओ, क्योंकि अगर आप लोग रहेंगे तो ये लोग हमें यहाँ पर साधारण नहीं समझेंगे, इसलिए आप लोग जाओ। और एक भाव ये भी है कि भगवान ने भगवान के पंच तत्व के शरीर में इनको आज आना था देवताओं को, क्योंकि ये पंच तत्व का शरीर है। बैठे सुर जहाँ तहाँ करी थाना। देवता अपने पंच तत्व के शरीर में निवास करते हैं तो देवता सोच रहे हैं कि अभी तक तो हम मानव के पंच तत्व के शरीर में ही निवास करते थे, पर अब जगन्नियंता जगदाधार भगवान सच्चिदानंद भगवान का प्राकट्य हो रहा है तो उनके अंगों पर बैठने का हम लोगों को अवसर मिलेगा। तो जो जहाँ के देवता थे, जैसे चंद्रमा मन सो जात अक्षशो हो, चंद्रमा मन के देवता हैं, तो चंद्रमा ने कहा कि प्रभु हम आपके मन में आ जाएं। वरुण देव ने कहा हम रसना में। सूर्य देव ने कहा कि हम नेत्रों में, और ब्रह्मा जी ने कहा हम बुद्धि में। ऐसे सब लोगों का जहाँ भी स्थान था, सब लोग अपने अपने धाम को गए, और जैसे ही धाम को गए तो जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान का प्राकट्य हो गया और स्तुतियां होने लगी। भय प्रगट प्रपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट प्रपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सित में तारी मुनि मनारी अद्भुत रूप हारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी
अद्भुत रूप निहारी। हे लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भगवान का प्राकट्य हो गया है, भगवान के जन्म का शुभ अवसर हुआ। अब माता को भीतर ही भीतर, माता कौशल्या को भीतर ही भीतर भगवान श्री राम का दर्शन होने लगा। और वे कहती हैं कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। जिनके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड समाये हुए हैं, और मम और सोबासी वो मेरे हृदय में आ गया। यह उपहासी, ये तो उपहास की बात है, जो इसको सुनेगा उसकी बुद्धि का तो ठिकाना नहीं रहेगा। अच्छा, विचित्रता तो ये है कि दीखत है सो है नहीं, और है सो दीखत नाही। किवाड़ सबको दिखता है, लकड़ी किसी को भी नहीं दिखती। अच्छा, तीन तरह से बात कही गई। जैसे एक ने कहा कि ये सब सामान देख रहे हो ना, कुर्सी मेज तखट टेबल इत्यादि, ये सब सामान लकड़ी का है। दूसरा बोला नहीं नहीं, सब में लकड़ी है। तीसरा बोला नहीं, सब ही लकड़ी है। तो ऐसा लगता है कि तीनों अलग बोल रहे हैं, अलग कोई नहीं बोल रहा, अलग अलग ढंग से बोल रहे हैं। इसी प्रकार से धर्मात्मा कहता है कि सब भगवान का है। तो भक्त कहता है नहीं नहीं, सब में भगवान है। तो ज्ञानी कहता है नहीं, सब भगवान है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ईशावाशमिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत इदम सर्वम ईशावास। भगवान सब जगह व्याप्त है। तो माता को भगवान का भीतर ही भीतर दर्शन होने लगा। तो भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया, सारी कथा सुनाई। कही कथा सोहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। कही कथा सोहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। सारी कथा भगवान ने सुनाई कि आप लोग पिछले जन्म में मनु और सतरूपा थे। आप लोगों ने मुझसे वरदान मांगा था, और आपने कहा था कि मुझे ज्ञान रहे, तो देखो मैं आ गया ना। कौशल्या माता बोली कि प्रभु आप आ तो गए, पर जैसे आना चाहिए था वैसे नहीं आए। कहा क्यों? कहा बालक कभी ऐसा होता है क्या कि चार भुजाएं हो और इतना बड़ा हो? अब आप छोटे बन जाइए। भगवान ने कहा कितना छोटा बन जाऊं? कहा जितना जन्म के समय बालक होता है। भगवान छोटे बन गए, पर भगवान तो शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निरवाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। भगवान तो शांत हैं, शांताकारं भुजंग सैनम पद्मनाभम सुरेशम। तो कौशल्या माता ने कहा कि प्रभु अब आप थोड़ा रोइए। भगवान बोले मैं रोऊं? पर मुझ पे संकट क्या आया है कि मैं रोऊं? कहा नहीं प्रभु, जब बालक जन्म लेता है
तो जब भू रोता है तो ये शुभ होता है, इसलिए आप रोइए। भगवान ने कहा, पर ये तो बताइए कि हम पे संकट कौन सा आया है जो हम रोवे। माता ने कहा कि अपनों पर संकट आए तो सभी रोते हैं, पर दूसरों पर संकट आए तो आंसू आपकी आंख में होते हैं। आपके भक्तों ने आपको रो रो कर बुलाया, अब आप अपने भक्तों को रो रो कर बुलाइए। तो भगवान रोए और सचमुच भक्त के नेत्र में प्रेम के आंसू होते हैं, तो भगवान आ जाते हैं। और जब भगवान के नेत्रों में करुणा के आंसू होते हैं तो भक्त आ जाते हैं। आपके भक्तों ने आपको रो रो कर बुलाया, अब आप अपने भक्तों को रो रो कर बुलाइए। कहिए कि आज से तुम्हारा रोना बंद, आज से तुम लोग मत रो, आज से हम रोएंगे। तो सुन शिशु रोदन परम प्रियवान। भगवान रोए, और भगवान रोए भी तो सुर में रोए। और भगवान कौन है? सुर भूपा, सुरों के भी भूप हैं। कुछ लोग बड़े आनंदित हुए, बाबा श्री तुलसीदास जी के पास आए और कहा कि बाबा क्या ये वही प्रभु हैं जो ऊपर से नीचे आए हैं? हाँ वही हैं तो वही, तो अभी तो इनकी जगह खाली होगी, सिंहासन खाली होगा। तो कहा कि अगर ऐसा हुआ तो, कहा कि हम बड़ा अच्छा मौका है हम लोगों के लिए, मुझे पद मिल जाए। अरे एक ही बार दिला दो पद। तुलसीदास जी हंसे, बोले मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्या करना पड़ेगा? यह चरित जे गावहिं हरि पद पावहिं तेना परै भव को पाय। यह चरित जे गावहिं हरि पद पावहिं तेना परै भव को पाय। इस चरित्र को गाएं, चरित जे गावहिं हरि पद पावहिं। तो कुछ भक्त थे, परै भव को, कुछ भगवान के भक्त थे, उन्होंने कहा तुलसीदास जी हम भगवान के पद पर थोड़ी बैठेंगे, हम तो भगवान के चरणों में बैठते हैं। तो तुलसीदास जी बोले तुम्हारे लिए कौन से पद? यह चरित जे गावहिं हरि पद पावहिं राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, जिन चरणन ते जय हो, नेक सीसुर सरी शंकर जटा समाई चरण सुखदाई, भगवान राम चरण सुखदाई सुखदाई चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, धरि परे रे गम पद मा गम गरे घरे धरे निधनि परे धनि परे धनि परे राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, गम पधनि धनि
ma pa ga ma re ga re sa re ni sa dha ni sa dha ni sa dha ni sa dha ni sa ram charan sukhda bhaj man ram charan sukhda he ram charan ram charan तुम्हारे लिए भगवान के चरण। इस चरित्र को जो गाते हैं वो भाव रूपी कुप में नहीं पड़ते, भाव सागर रूपी कुएं में नहीं पड़ते। भगवान का आज प्राकट्य हुआ है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, बधाइयां गवने लगी। कैकेयी सुमता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत के हो, चार चार पुत्रों का जन्म हुआ है आज, चारों तरफ आनंद ही आनंद। बधाई हो आप सबको, बधाई हो। चार चार प्रगटे के कई सोता सुमित्रा दो 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 सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत के हो सुंदर सुत जन मत दो कई कई सुता सुमित्रा दो के कई सुता मिश्रा जी नारायण सेवा संस्थान के बारे में घोषणा करेंगे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम कथा महोत्सव अमृत वर्षा और राम कथा रसिक प्रेमी श्रोतागण जो भी यहाँ उपस्थित हैं, विराजमान हैं, आप सभी को नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। पूज्य श्री बाल व्यास जी महाराज श्री के पावन सानिध्य में ये कथा का एक बहुत ही सुंदर उद्देश्य भी है, जनमानस की सेवा। ऐसे बहुत से दीन दुखी दिव्यांग रोगी जन, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, संप्रदाय के हों, वर्ग के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है कि वो मानव है, वो इंसान है, और हमारी इंसानियत अभी जागृत है। इसके लिए हमें प्रत्यक्ष या प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप जैसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ श्रोतागण ऐसे सभागार में जब उपस्थित होते हैं, आचार्यों की वाणी से, संतों की वाणी से, भगवत कथा राम कथा सेवा सत्संग का लाभ आप प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ उनके मन में जो धारणा, जो संकल्प, जो विचार उपज होते हैं कि चलिए हम भी जिस राष्ट्र में जुड़े हैं और इस राष्ट्र ने हमें बहुत कुछ दिया है, समाज ने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उसमें से कुछ पल निकाल कर, कुछ समय निकाल कर, कुछ सहयोग निकाल कर, अनुदान अपनी दुआओं के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से वो सहयोग नारायण सेवा संस्थान परिवार को पहुंचाएं, ताकि बहुत से दीन दुखी दिव्यांग रोगी जन अपनी शल्य चिकित्सा, अपना ऑपरेशन उदयपुर में जाकर करा पाए। दिव्यांग है, इंसान है,
लेकिन चलते हैं गाय के बछड़े की तरह, चारों हाथ पैरों से घिसटते विलकते, उम्मीद लेकर, यकीन लेकर, विश्वास लेकर नारायण सेवा संस्थान परिवार में आते हैं। सिर्फ एक प्रेम का बंधन है, आपके आत्मीयता का बंधन है, आपके स्नेह का बंधन है जो टूटने नहीं देता। इसी बंधन को लेकर देखिए, बहुत सारे कवियों ने कविताएं लिखी हैं, दोहे लिखे हैं, पद लिखे हैं, लेकिन हम यही जानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, और वो इंसानियत, मानवता हमारे दिल में इस प्रकार की हो कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। आपसे मेरा रिश्ता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं चोट आपको लगी है, उसका दर्द का एहसास हमारे दिल में भी आ जाए कि नहीं, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जो पैर में कांटा चुभा है, वो पीड़ा मुझे भी महसूस हो रही है कि उसमें कितना दर्द होता है। जब वो पीड़ा एक दूसरे व्यक्ति को महसूस होने लगेगी तो हम उनके बारे में सोचने लगेंगे कि वाकई में जो दिव्यांगता से कई वर्षों से लड़ रहे हैं, वो बच्चे, वो बहनें पीड़ित हैं, कितना दुख दर्द है उनकी जिंदगी में, और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो हमारे करुणा के, ममता के, श्रद्धे के, आत्मा के प्रेम के हाथ उठते हैं कि चलिए हम भी नारायण सेवा संस्थान परिवार के काम आ सकते हैं और उन दीन दुखी दिव्यांग रोगी जनों को अपना बना सकते हैं। चारों भाइयों का प्रागट हो चुका है, बधाइयों में प्रवेश करेंगे, लेकिन बधाइयों से पूर्व जिन्होंने अनेकों बच्चों की मिठाइयों के लिए, बधाइयों के लिए, उनके लड्डुओं के लिए सहयोग राशि समर्पित की है, आप जैसे समाज सेवी स्थानीय पांडाल परिसर में से जुड़े हैं, उन दानदाता भामाशाहों के नाम, धर्म के माता पिताओं के नाम, समाज सेवियों के नाम हमारे पास मंच पर आए हैं। आप सभी से प्रार्थना कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निवेदन यही है, जो नाम मेरे पास मंच पर आए हैं, परिवार के एक प्रतिनिधि कृपया मंच पर पधारेंगे, व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्री कुमारी जानवी तिवारी, परशुराम तिवारी शास्त्री जी, आप मौरानीपुर से हैं और आपने एक ऑपरेशन का सहयोग संस्थान परिवार की सेवाओं के लिए प्रदान किया है, 5100 रुपये की राशि आपने प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर पधारे, व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। श्री राजेंद्र गीता पाठक जी मौरानीपुर से हैं और आपने एक ऑपरेशन का सहयोग 5000 रुपये की राशि संस्थान परिवार की सेवाओं के लिए प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमती उषा जी भारद्वाज, वाइफ ऑफ नाथूलाल जी भारद्वाज, स्थानीय है मौरानीपुर से, आपने एक ऑपरेशन का सहयोग प्रदान किया है, एक बच्चे को आपने गोद लिया है, उसके धर्म माता पिता बने, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर पधारें, आशीर्वाद आप प्राप्त करें। ज्योति जी मिश्रा, स्थानीय झांसी शिवाजी नगर झांसी से आप पधारे हैं और आपने दवाइयों के लिए सहयोग राशि प्रदान की है, ज्योति मिश्रा कृपया मंच पर पधारें, व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। प्रीति जी नैयर झांसी से हैं और आपने दवाइयों के लिए सहयोग प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति तिवारी, वाइफ ऑफ प्रकाश नारायण जी तिवारी, आप बरौनी झांसी से पधारे हैं, आपने एक ऑपरेशन का सहयोग संस्थान परिवार की सेवाओं के लिए प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर पधारें, व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। श्रीमती भारती देवी, वाइफ ऑफ श्री राकेश तिवारी जी, झांसी वाले मऊरानीपुर से हैं और आपने दवाइयों के लिए सहयोग संस्थान परिवार की सेवाओं के लिए प्रदान किया, धन्यवाद आपका। श्रीमती सुशीला जी ढेंगरे, वाइफ ऑफ आदरणीय ओम प्रकाश जी, आप स्थानीय मऊरानीपुर से हैं और आपने 3 ऑपरेशन के लिए 13000 रुपये का सहयोग दिया है संस्थान परिवार की सेवाओं के लिए, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रार्थना करूंगा कृपया मंच पर पधारें, व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें। आदरणीय रमेश चंद्र जी दीक्षित, आपने दवाइयों के लिए सहयोग राशि प्रदान की है, मऊरानीपुर से हैं, आप भी कृपया मंच पर पधारें, व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें, बहुत बहुत धन्यवाद। ये समस्त कथा प्रेमी बंधुजन जो स्थानीय पांडल परिसर में विराजमान है और रामलला के प्रागट्य उत्सव पर आपने उन दिव्यांग बंधुओं को गोद लिया है, उनके लिए सहयोग समर्पित किया है। आस्था भजन टीवी के माध्यम से जो परिवार जुड़े हैं, सच्चिदानंद जी सिन्हा, आप जौन जैनाबाद से हैं, आपने एक ऑपरेशन का सहयोग प्रदान किया है। लेला करणवीर जी मेहता, आप छिंदवाड़ा से हैं, आपने एक ऑपरेशन की राशि प्रदान की है। गुलाब सिंह जी पवार, अमित जी पवार जबलपुर सिटी से है और आपने एक ऑपरेशन का सहयोग संस्थान परिवार की सेवाओं के लिए प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम आपका। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी हरिभक्तों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
इसी प्रकार मन में रहे भाव तो सेवा बने स्वभाव। मन में यदि हमारे भाव अच्छे होते हैं तो सेवा करना हमारी जिंदगी का स्वभाव बन जाता है, एक नेचर बन जाता है। जिस प्रकार प्रातः काल आप सभी उठते हैं, कुछ लोगों को बैग टी लेने की आवश्यकता जरूरत होती है, उनकी डेली रूटीन में होता है, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग स्नान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पाठ पूजा करते हैं, ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार सेवा करना भी हमारी जिंदगी का एक स्वभाव बन जाए, हमारे नेचर में आ जाए कि प्रत्येक दिन हमें कहीं ना कहीं छोटा सा सेवा का एक संकल्प हमारे दिल में रहे और हमें सेवा करनी है। तो इसी प्रकार जो भी भक्त परिवार सेवा से जुड़ना चाहते हैं, नारायण सेवा संस्थान परिवार का सेवा कार्यालय बना हुआ है, सहयोग आप वहां लिखाएं, रसीद आप प्राप्त करें, व्यासपीठ से आशीर्वाद आप भी प्राप्त करें। और निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी भक्त परिवार आस्था टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आस्था भजन चैनल के माध्यम से ये कथा लाइव प्रसारण में आपके घर तक पहुंच रही है, तो आप भी पीछे ना रहें, आपके नाम भी हमारे तक मंच तक पहुंचे, क्योंकि आप विगत 33 वर्षों से जुड़े रहे हैं, 34वां वर्ष संस्थान परिवार को चल रहा है। जब आपका साथ मिला, सहयोग मिला, तो 3,75,000 बड़े आदरणीय देवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज पधारे हैं, इस आयोजन में पधारे हैं, हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। और व्यासपीठ से आशीर्वाद आप प्राप्त करें, आदरणीय अनिल सोनी जी कथा के यजमान परिवार देवेंद्र शास्त्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत कर रहे हैं। और हम नारायण सेवा संस्थान परिवार की ओर से भी आदरणीय शास्त्री जी का मेवाड़ की पगड़ी, शिना जी का प्रसादी उपरना उड़ाकर आपका इस आयोजन में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं, आपके पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। तो आइए अब ज्यादा समय ना लेते हुए वापस व्यासपीठ की ओर अग्रसर होते हैं और बधाइयों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला के प्रागल उत्सव की बधाइयों में प्रवेश करते हैं। एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की बोलिए बोलिए, जय श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान के जय, आप सब भी नारायण सेवा में दान अवश्य करें, और जिन्होंने दान किया है मैं उन सब का धन्यवाद दूंगा। देखिए मैं नारायण सेवा संस्थान गया था अपने पिताजी के साथ, क्योंकि मेरी बुआ जी दोनों पैरों से विकलांग थी। भैया जरा कैमरा घुमाना। तो मैंने सोचा कि मैं किसी ऐसे संस्थान से जुड़ूंगा। जब मैंने अपनी बुआ जी को ऐसे देखा तो मैंने सोचा कि मैं किसी ऐसे संस्थान से जुड़ूंगा जो कि विकलांगों की सेवा करता हो। तो आइए अब भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। देखिए भगवान, मैंने आपको बताया था कि भगवान का प्राकट्य हुआ, चारों तरफ बधाइयां गबने लगीं। आइए हम कुछ बधाइयां हम भी गा लेते हैं। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। देखिए मैंने आपसे अभी तक उठकर खड़े होने के लिए नहीं कहा, आप सब नाचते हुए झूमते हुए गाइए, भगवान का आज प्राकट्य हुआ है। सब लोग हाथ उठाकर भगवान का की बधाई में सम्मिलित हो, भगवान के जन्म में सम्मिलित हो। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। सोने के सब दिन सोने की रातें, सोने की सब दिन सोने की रातें, सोने के 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 सब दिन सोने की रातें,
सोने की रात सोने के सब दिन सोने की रात सोने के सब दिन सोने की रात सोने के दियल धराओ महाराज सोने के दियल धराओ महाराज आज दिन सोने को महाराज आज दिन काली सेवा करते बधाई महाराज दोनों हाथों से मधुर मधुर तालियां बजाते हुए जय हो सुरहन के गोबर मगाओ मोरी सजनी 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 भिक दे के आंगन ले पाओ महाराज भिक दे के आंगन ले पाओ दिन सोने को महाराज आज दिन सोने को महाराज आज दिन सोने को महाराज आज दिन सोने को महाराज गाता हूं और जिनकी ये लिखी हुई बहुत सुंदर बधाई है वे परम पूज्य संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। उनके साथ है मैं ही ये सब रहते थे पहले। आज मुझे ये सौभाग्य मिला है इनके साथ कथा करने का। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा Thank you.
दोई सुत नील मणि छबि छीनत 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 दोई सुत कंचन वरनवा भवनवा में बाजे भजनवा सुत कंचन बरनवा भवनवा में बाजे भजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा तालियां बजाते हुए बड़े ही आनंद के साथ तन सुधि भूल मगन हुए नाचत 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 अपनी तन की सुधि भूल कर मगन हो के नाचने लगे कौन शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजन माता पार्वती की साजन चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए सियावर रामचंद्र की जय हो जन राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे ये राजेश जी की बड़ी सुंदर बधाई है आदरणीय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की जन राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे भजनवा पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा बाजे भजनवा बाजे भजनवा बाजे भजनवा बाजे भजनवा भगवान का प्रकट हुआ है बोलिए चारो भैयन की जय बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय जैसा कि परम श्रद्धे श्री व्यास जी का जो आदेश हुआ मेरे लिए एक बधाई मैं भी आपके समक्ष पेश करता हूँ घर घर आनंद छाया अयोध्या नगर